हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माय यूट्यूब चैनल पे साउंड और टेंस रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बेस को 2 ओम्स पे रन करा के दिखाया था, कनेक्शन भी समझाया था, और हमने किस एम्प पे चलाया, कितना वाट लोड दिया, कितना वाट का बेस को हमने टेस्ट किया, कितना इंच कॉइल का था, हमने सारा चीज़ वीडियो में आपको बताया था। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है, और हमने ये आज के वीडियो में हमने ये टेस्टिंग किया कि किसी एक एम पर किस प्रकार 6 बेस को चलाएं, क्या वो सक्सेस है, चलाना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम किस प्रकार एक ही एम पर हमने 6 बेस को चलाया है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि नीचे वाला जो बेस आप देख रहे हैं, ये आपका हुजा का 650 CL जो 4 इंच वॉइस कॉल में आता है, ये 4 है, और ऊपर का जो आप कैबिनेट में जो RCF लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये आपका PRDO की तरफ से 1000 V2 चैलेंजर सीरीज का 1500 वाट का स्पीकर जो 4.5 इंच वॉइस कॉल में आता है, और ये आपका ये AS पावर में है। तो आपको वाटेज काउंट करके बताते हैं, चलिए एम्पलीफायर की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि हमने कितना ओम्स पर लोड दिया है। और जो बगल में जो आप देख रहे हैं, हाँ, टॉप जो आप देख रहे हैं, ये टॉप मैंने हमने सिर्फ मिड के लिए रखा है। हालांकि आप इसका वाटेज जानना चाहते हो तो आपका 400 वाट का टॉप है और 60 वाट का HF लगा हुआ है, यानी कि 460 वाट का आपका एक कंप्लीट कैबिनेट है। आपको ले चलते हैं एम्पलीफायर की तरफ, उसका कनेक्शन बताते हैं आपको और कितना वाट हमने कैसे लोड दिया उसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए एम्पलीफायर की तरफ चलते हैं। बस हमने दोस्तों हमने एम्पलीफायर सेम ही यूज किया है। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ एक चैनल पे हमने आपका 4 बेस को चेक किया था, तो टेस्ट किया था सॉरी। तो आज हम एक चैनल पर आपका 4 बेस को टेस्ट करने वाले हैं, और एक चैनल पर हम आपका ये 1000 V2 1500 को डालने वाले हैं। इससे हम इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, कितना इसका पंच, कितना थ्रो आ रहा है, उस हिसाब से आप जज करिएगा। और टेस्टिंग के टाइम में प्लीज़ आप हेडफोन का यूज करें ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, इसका एक बार हम लोग टेस्टिंग भी देख लेते हैं। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि हमने एक चैनल पर 4 बेस चलाया और एक चैनल पर हमने 2 बेस चलाया। तो फाइनल रिजल्ट ये निकला कि आप किसी भी एम को 4 ओम पे रन करा तो बेहतर रहेगा। जो 2 ओम्स में जो मेरा एक चैनल रन करा तो वो चैनल काफ़ी गर्म हुआ। हालांकि एम्पलीफायर ट्रिप नहीं किया हमने, कंटिन्यू बजा सी वीडियो में अपने 2-4 मिनट का ही आपने टेस्टिंग दिया, हमने इसके पहले आधे घंटे तक इसे यूज किया। 2 ओम्स पर जो मेरा चैनल रन करा तो आपका काफ़ी हिट हुआ, और 4 ओम्स पर जो चैनल रन करा तो आपका हिट नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं यही आपसे अंतिम सलाह ये दूंगा कि आप कभी भी बेस को 4 ओम पर रन कराएं, 2 ओम पर ना चलाएं। और जहां तक कि आपका ये है कि आपका MT-1601 जो है आपका ये 4.5 इंच वॉइस कॉइल के लिए बनाया गया है, तो आप इस पर 4 इंच कॉइल वाले बेस ना चलाएं, क्योंकि आपका एम्पलीफायर पावरफुल होने की वजह से आपका कॉइल को काट सकता है। तो दोस्तों फाइनली आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।